हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि मैप डेटा टाइप क्या है और पाइथन में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैप को मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहा जाता है, राइट? तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इसे क्यों कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है शोइंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, राइट? वो डेटा टाइप जो सिर्फ एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शो कर रहा है और इम्प्लीमेंट, वो डेटा टाइप कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, उस डिटेल्स को हाइड कर रहा है, राइट? तो ऐसे डेटा टाइप को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, राइट? तो यहां पे हम मैप की बात करें, अब मैप आल्सो नोन एज डिक्शनरी और एसोसिएटिव एरे, मैप को डिक्शनरी या एसोसिएटिव एरे भी कहा जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ओके? इट इज एन इंटरफेस दैट स्पेसिफाइज व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म। ये एक तरीके का इंटरफेस है, एक मीडियम है जो बता रहा है कि आप कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट नॉट हाउ दीज ऑपरेशंस आर इंप्लीमेंटेड। लेकिन वो ये नहीं बताता कि कैसे ये ऑपरेशन इंप्लीमेंट होंगे, राइट? वो आपको बता रहा है कि कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हो, राइट? कि आप कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, पर ये डेटा कैसे इंसर्ट होगा, कैसे डिलीट होगा इंटरनली, ये डिटेल्स आपसे हाइड होंगी, राइट? ये डिटेल्स आपको शो नहीं होंगी, डेट्स वाई मैप इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, राइट? अ मैप स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। मैप डेटा टाइप की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। जैसे आपका इंटीजर डेटा टाइप क्या करता है? इंटीजर्स वैल्यूज को स्टोर करता है। कैरेट डेटा टाइप करेक्टर्स को स्टोर करता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स को स्टोर करता है। ऐसे ही मैप डेटा टाइप की वैल्यू पेयर के कलेक्शन को स्टोर करता है, राइट? ओके, अ मैप स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स सच दैट ईच पॉसिबल की अपीयर्स एट मोस्ट वंस इन द कलेक्शन, राइट? जो की होती है वो क्या होती है? यूनिक होती है, राइट? वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, बट की इसके अंदर यूनिक होती है। द ऑपरेशन सपोर्टेड बाय अ मैप आर टू स्टोर अ न्यू की वैल्यू पेयर। मोस्टली जो ऑपरेशन मैप डेटा टाइप सपोर्ट करता है वो क्या है? स्टोर करना की वैल्यू पेयर को और टू लुक अप द वैल्यू डैट इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन की, या फिर किसी वैल्यू को लुकअप करना, ढूंढना जो किसी पर्टिकुलर की से एसोसिएटेड है, ओके? एवरी की इन द मैप हैज टू बी यूनिक। की के अंदर जितनी भी कीज हैं, राइट? एवरी की इन द मैप हैज़ टू बी यूनिक। मैप डेटा टाइप के अंदर आप क्या करते हो? की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हो, तो जितनी भी कीज होती हैं वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, राइट? वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। आप डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो, ओके? बट आप डुप्लीकेटेड कीज़ को स्टोर नहीं करोगे। बट द कीज हैव टू बी यूनिक एवरी टाइम, राइट? एवरी वैल्यू ऑफ मैप डेटा टाइप कैन बी एक्सेस्ड और रिट्राइड विद द हेल्प ऑफ की। अगर आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप किसकी हेल्प से करोगे? एसोसिएटेड की हेल्प से करोगे, जो कि उस वैल्यू के साथ अटैच्ड है, राइट? विद द हेल्प ऑफ द की व्हिच इज एसोसिएटेड विद दैट वैल्यू, ओके? इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैप्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैप डेटा टाइप को अलग अलग नेम से इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। C++ में इसको अनऑर्डर्ड मैप की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है, मल्टी मैप की फॉर्म में, हैश मैप की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है। पाइथन में मैप को डिक्शनरीज की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जावा में हैश मैप्स एंड हैश टेबल्स की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट? आप देखेंगे ऑपरेशंस जो आप मैप डेटा टाइप में परफॉर्म कर सकते हैं। सम ऑफ द यूजफुल ऑपरेशन दैट वन कैन परफॉर्म यूजिंग अ मैप आर, तो यहां पे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं। पुट की वैल्यू, राइट? पुट फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू द मैप। पुट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास होंगे, की एंड वैल्यू, और पुट फंक्शन की हेल्प से आप एक न्यू की वैल्यू पेयर को मैप के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इन केस इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप देन द ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू। अगर ऑलरेडी उसी नेम से की है तो आप क्या कर सकते हो? ओल्ड वैल्यूज को न्यू वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स न्यू वैल्यूज आ जाएंगी और ओल्ड वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी, राइट? नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका गेट। आप फंक्शन कह सकते हैं इसको, गेट
key. A key is passed here and with the help of the key we can retrieve the value which is associated with the given key. Right? आप इसके अंदर key pass करेंगे और क्या होगा, get की help से आप इस key के साथ जो भी value associated है, जुड़ी हुई है, वो value आ जाएगी आपके पास. ठीक है, तो get की help से आप value को access कर सकते हो with the help of key. Next we have length function. This operation returns the length of the map. Length function की help से आप map की length को जान सकते हैं. That is number of key value pairs. कि map के अंदर कितने key value pairs हैं, right? Then we have the del. This operation used to delete a specific key value pair from the map. Del की help से आप map में से particular key value pair को delete कर सकते हैं. This is how it is done. और आप इसको कैसे use करेंगे? Del keyword को use करेंगे map and आप key जो भी key value pair delete करना चाहते हैं उसकी की को आप यहां पे स्पेसिफाई करेंगे विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. राइट, द पर्टिकुलर की एंड इट्स एसोसिएटेड वैल्यू गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द मैप. तो मैप से क्या होगा, वो पर्टिकुलर की जिसको आपने स्पेसिफाई किया है और उसकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी. राइट, नेक्स्ट वी हैव द इन. दिस ऑपरेशन रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू. तो यहां पे इन का यूज करोगे तो आपके पास बूलियन वैल्यू आएगी, ट्रू या फॉल्स आएगा. इट रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन की एग्जिस्ट. ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो भी आप की स्पेसिफाई कर रहे हो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स. ओके, पाइथन में मैप डेटा टाइप को एज अ डिक्शनरी इंप्लीमेंट किया जाता है. राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे टू इंप्लीमेंट मैप यूजिंग डिक्शनरी. राइट, तो ओके, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं पाइथन प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट मैप यूजिंग डिक्शनरी. राइट, सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करेंगे. ओके, तो डिक्शनरी आप क्या किसी भी नेम से हम कर लेते हैं. मान लो हमारी है यहां पर स्पोर्ट डिक्शनरी, तो यहां पे हम ले लेते हैं, उसमें की ले लेते हैं नेम एंड राइट, उसमें वैल्यू ले लेते हैं विराट. नेक्स्ट हम लेते हैं स्पोर्ट की एंड द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट इज क्रिकेट. राइट, एंड देन रन्स यहाँ पे की है और रन्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं 12,000. दिस इज माई डिक्शनरी. यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है स्पोर्ट डिक्ट के नेम से, जहाँ पे क्या है, थ्री की वैल्यू पेयर्स हैं. की नेम है, उसकी वैल्यू विराट है, देन स्पोर्ट की है, वैल्यू क्रिकेट है, एंड देन रन्स की है एंड वैल्यू 12,000 है. राइट, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अब यहाँ पे हम क्या करें, मैप को इम्प्लीमेंट करें एज अ डिक्शनरी. राइट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा देते हैं इसको, प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट दी एंटायर, ये मैं क्या ले रही हूँ, अपना कमेंट ले रही हूँ. ओके, प्रिंट द एंटायर डिक्शनरी इन की वैल्यू पेयर. की वैल्यू के पेयर में आप डिक्शनरी को प्रिंट करा दो. फाइन, सिंपली हमें क्या करना है, प्रिंट स्पोर्ट डिक्शनरी. राइट, ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करा देते हैं यहाँ पर. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आप एक्सेस करा सकते हो. तो यहाँ पे एक प्रिंट ले लेती हूँ मैं, फंक्शन फॉर द ब्लैंक लाइन. राइट, और यहाँ पे कमेंट ले लेते हैं, प्रिंट द वैल्यू, जो आप मैप डेटा टाइप पे फंक्शंस कर सकते हैं. एक हमने क्या किया है,
कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट करा दिया, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं वैल्यू को और फिर इसको डिस्प्ले करा रहे हैं. प्रिंट द वैल्यू एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग की. फॉलोइंग की, अब की की हेल्प से आप क्या करोगे, वैल्यू को प्रिंट कराओगे. राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं. यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा देंगे, रन्स को प्रिंट करा देते हैं. रन्स आर राइट, ओके. तो रन्स को हम कैसे करेंगे, प्रिंट कराएंगे आपका इस डिक्शनरी का नेम सपोर्ट डिक्ट, ओके, एंड उसकी की, की हम ले लेते हैं यहाँ पे रन्स, आर यू एन एस रन्स, ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, रन्स की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ, ओके. दिस इज योर मैप इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिक्शनरी. अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सिंपल मैप वन. ओके, यहाँ पे देखो क्लोज नहीं किया इसको, क्लोज कर दिया. अब F5, अब देखो यहाँ पे देखो आपने पहले क्या किया था, पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराया था विद की वैल्यू पेयर्स, वो आ गई है. फिर उसके बाद हमने वैल्यू को रिट्राइव किया है. राइट, रन्स आर 12,000. ओके ओके, अब एक प्रोग्राम और बना के देखते हैं. यहाँ पे हम एक और फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल. अभी आपने प्रोग्राम क्रिएट किया था डिक्शनरी की वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए. अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को डिलीट करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम ले लेंगे हेडिंग, ओके, हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव अ लाइन और सेंटेंस फ्रॉम अ बुक. राइट, ओके. तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी डिक्शनरी को. राइट, तो यहाँ पे मैंने कमेंट ले लिया है, क्रिएटिंग बुक डिक्शनरी. बुक नेम से हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे. राइट, और की ले लेते हैं लाइन वन. लाइन वन में मैं ले लेती हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, ओके. देन हम ले लेते हैं इसकी नेक्स्ट की लाइन टू. लाइन टू हम ले लेते हैं, इसमें हम वैल्यू ले लेंगे आई एम फाइन. लेट अस सपोज मैंने ये डाल दिया, ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं लाइन थ्री. लाइन थ्री, ओके, इसमें हम कोई भी एक आप ले लो सेंटेंस, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउस going on, right? Then हम ले लेते लाइन फोर. लाइन फोर फाइन, इसमें हम ले लेते हैं बाय, टेक केयर. राइट, ओके. तो यहाँ पे आपने बुक नेम से डिक्शनरी क्रिएट की है, इसके अंदर फोर कीज हैं, उनकी वैल्यूज हैं. लाइन वन आपकी की है हेलो हाउ आर यू, इसकी वैल्यू है. लाइन टू आपकी की है आई एम फाइन, इसकी वैल्यू है. लाइन थ्री की है हाउ इज गोइंग ऑन, इसकी वैल्यू है. लाइन फोर की है एंड बाय टेक केयर, इसकी वैल्यू है. फाइन, तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे यहाँ पे, इसको प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट बिफोर डिलीटिंग एनी लाइन, ठीक है.
कंप्लीट डिक्शनरी को आप प्रिंट करा दो. ओके प्रिंट बुक. वन लाइन का आप गैप ले लेते हैं. प्रिंट फंक्शन एम्प्टी प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे. देन हम क्या करेंगे, डेल ऑपरेशन का यूज करेंगे यहाँ पे. डेल बुक, और बुक में आप जो भी आप लाइन डिलीट कराना चाहते हो उसकी कीज हम यहाँ पे लेते हैं. लाइन फोर लेटर सपोज मैं डिलीट कराना चाहती हूँ, मैंने लाइन फोर ले लिया, ठीक है, इसकी ये क्या होगी, डिलीट हो जाएगी की वैल्यू पेयर. ओके अब हमने प्रिंट करा दिया. प्रिंट आफ्टर डिलीटिंग लाइन फोर. ओके आफ्टर डिलीटिंग लाइन फोर एंड देन आफ्टर डिलीटिंग लाइन फोर. ओके अब हम क्या करेंगे, प्रिंट बुक, राइट. इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस. सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने नेम दे दिया मैप थ्री, फाइन. ओके नाउ F5. देखो बिफोर डिलीटिंग एनी लाइन आपके पास लाइन वन आ गया, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में आपकी डिक्शनरी यहाँ पे शो गई है, फाइन. और आफ्टर डिलीटिंग लाइन फोर, तो देखो लाइन वन है आपके पास, लाइन टू है एंड लाइन थ्री है. लाइन फोर मतलब लाइन फोर जो की वैल्यू पेयर है वो डिलीट हो चुका है, फाइन. तो यहाँ पे हमने मैप को इम्प्लीमेंट किया है एज अ डिक्शनरी, फाइन. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.